हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है विराट कोहली के रिलेटेड। तो विराट कोहली ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में सेंचुरी मारी, जिसके बाद उनकी वो 49 सेंचुरी हो गई ODI में, जो कि सचिन तेंदुलकर के बराबर है। जहाँ इसी के रिलेटेड ट्वीट किया सचिन तेंदुलकर ने, उन्होंने लिखा, वेल प्लेड विराट, इट टुक मी 365 डे टू गो फ्रॉम 49 टू 50 अर्ली दिस ईयर, आई होप यू गो फ्रॉम 49 टू 50 एंड ब्रेक माई रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कॉन्ग्रेचुलेशन। जहाँ विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बनाया, वो पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए जिन्होंने अपने बर्थडे के दिन वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी है। तो आपका भी ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है कैरी मिनाती के रिलेट। तो कैरी मिनाती ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, जो कि स्टोरी रिलेट करने लगे काफी लोग कि उन्होंने एलविश यादव के रिलेटेड डाली थी। जहाँ आप स्टोरी वो देख लो, पहले सांप काट गया, तुरंत लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं, इतना बुरा लग रहा है ना। जहाँ कैरी मिनाती ने वो स्टोरी कुछ ही मिनट में डिलीट कर दी और उन्होंने ट्वीट किया, गाइस आज मैंने एक स्टोरी डाली थी, मुझे पूरी सिचुएशन पता नहीं थी, जब पता चली तो मैंने तुरंत हटा दी, आई नो ये सब मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था, आई विल बी बेटर देन दिस, हो सके तो माफ कर देना। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है रश्मिका मंदाना के रिलेटेड। तो उनकी एक फेक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल जा रही है, जो वो लिफ्ट में एंटर करती है, जो कि रियल वीडियो सारा पटेल की है, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन गर्ल है। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट ईशा मालविया के रिलेटेड। उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है ईशा मालविया और समर जुरियाल के रिलेशनशिप को लेके। जहां ईशा मालविया और समर जुरियाल की काफी सारी क्लिप्स वायरल जा रही है सोशल मीडिया पे किस करती हुई, जहां उसी के रिलेटेड उधारिया के एक को एक्टर हैं जिनका नाम है लोकेश भट्टा। उन्होंने बताया कि ईशा मालविया के पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है ईशा मालविया और समर जुरियाल के रिलेशनशिप को लेके। जहां उन्होंने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि ईशा मालविया डेट कर रही थी समर जुरियाल को, और वो देख भी नहीं पा रहे शो बिग बॉस का जब से समर जुरियाल एंटर हुए बिग बॉस के घर में। जहां उन्होंने ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ईशा मालविया को बिग बॉस से निकालने पर कॉन्ट्रैक्ट के वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है एलविश यादव के रिलेटेड। तो एलविश यादव की एक फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल जा रही है, जहां इसी के बाद काफी लोग बोलने लगे कि एलविश यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जहां इसी के रिलेटेड रिएक्ट किया उन्होंने अपने रिसेंट व्लॉग में, जहां उन्होंने बताया कि उनको राजस्थान जाते समय चेक पॉइंट पे रोका गया था नॉर्मल गाड़ी चेकिंग के लिए। जहां उन्होंने काफी कुछ बात किया है अपने रिसेंट वीडियो में, जो मीडिया के जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिलेटेड भी उन्होंने काफी कुछ बोला है। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है शाहरुख खान के रिलेटेड। तो शाहरुख खान से जब पूछा गया कि जो ट्विटर पे आस्क SRK वाला क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो क्या वो उनकी टीम देती है कि शाहरुख खान खुद देते हैं, जहां उन्होंने बोला कि उनकी टीम वो हैंडल नहीं करती, वो शाहरुख खान खुद हैंडल करते क्योंकि वो उनका पर्सनल चीज है सब। जहां उन्होंने बोला उनकी टीम सिर्फ उनका मूवी वगैरह का हैंडल करती है। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।